हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। वीडियो बहुत खास है, शुरू से तक बने रहें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। किस कोर्स में परीक्षा सीधा ले सकते हैं, किस कक्षा का परीक्षा नहीं होगी, शिवलिंग एंट्रेंस का, सब कुछ मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर करूँ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ की दोस्तों, आप एक बहुत अच्छे से ये बात समझ लें कि यहाँ पे जो है जो एंट्रेंस है आपका 27 तारीख तक, आज 27 है देख सकते हैं, और 27 में जो है इस क्लास तक का एंट्रेंस जो है ये हो रहा है, चलने वाला है, ठीक है। टाइम 3:05, आज ये आखिरी है, ठीक है। अब रही बात जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एमए हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बारी बारी से बताया है कि हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, अरबिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, और डिफेंस स्ट्रेटजी हो गया, मिलिट्री साइंस कह सकते हैं। तो इसका एडमिट कार्ड अभी तक आपका डाउनलोड नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, मैं इसको भी बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि इसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब एडमिट कार्ड क्यों नहीं आएगा, इस पर भी बात उठेगी। तो ये बता दो कि इन कोर्सेज में जो एडमिशन्स है वो डायरेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट, हाँ मैं डायरेक्ट बिल्कुल कह रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये एडमिशन जो आपका इसकी आंसर की आने के बाद ही इसकी डेट को नोटिफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है हो जाए, आपका इसकी डेट को आ जाएगी उसके बाद नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप इसमें, क्योंकि इसमें बच्चे कम होते हैं, इन कोर्सेज में बच्चे कम एडमिशन्स लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इन चीज़ों को डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन जो वो डायरेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि आंसर की अभी इन क्लासेस जो ऊपर जो कोर्सेज दिए गए इनकी आंसर की आ जाएगी, ये जो दी गई है ये आंसर की आ जाएगी। इसमें जो है आंसर की क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ डेट जो दी गई है टेंटेटिव रिजल्ट की डेट दी गई है वो 30 दी गई। तो अब यहाँ पर आंसर की इनकी जो आने वाली है वो मान के चले आपकी 30 तक आ जाएगी, ठीक है। 30 से ऊपर मतलब 30 या पहली या दो तक जो है आ जाएगी, उसके बाद इसकी डेट को दे दिया जाएगा, आप इसमें एडमिशन को ले सकते हैं। क्योंकि इसमें बच्चे कम होने की वजह से एडमिशन जो है वो डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।